नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, गूगल ट्रांजैक्शन आईडी, यूपीआई रेफरेंस नंबर, इन सब का डिफरेंस क्या है, उसके साथ साथ यूपीआई आईडी का एक्सप्लेनेशन इन डिटेल में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहले देखते हैं क्या है यूपीआई। यूपीआई मतलब एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन यूज करके आप बैंकिंग फीचर्स, मल्टीपल बैंकिंग फीचर्स जैसे कि फंड ट्रांसफर हो, मोबाइल रिचार्जेस हो, ऐसी मल्टीपल बैंकिंग फीचर्स आप यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हर एक यूजर को यूपीआई से कनेक्ट करने के लिए एक आईडी होता है, इसे कहते हैं यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी तभी वर्क करेगा जब आपका बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर ये जो मोबाइल एप्लीकेशन से भी लिंक्ड होना चाहिए, वही मोबाइल पर ये जो मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब आपका यूपीआई का मोबाइल एप्लीकेशन वर्क करेगा। यहाँ पर कंडीशन है आपका मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर आपका मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर भी होना चाहिए। दोस्तों यूपीआई को कौन सपोर्ट करता है? यूपीआई को सपोर्ट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक यूपीआई पेमेंट होने के लिए कितना मेंबर्स चाहिए? मेनली 7 मेंबर्स चाहिए एक यूपीआई पेमेंट होने के लिए। मेनली पेयर पीएसपी, पे पीएसपी, रेमिटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक, एनपीसीआई, बैंक अकाउंट होल्डर और उसके साथ साथ मर्चेंट्स। दोस्तों पीएसपी एक एंटिटी है जो प्रोवाइड करता है वर्चुअल एड्रेसेस टू द यूजर्स और प्रोवाइड करता है क्रेडिट एंड डेबिट टू द यूजर्स और एंटिटीज। ऐसे वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करना और पेमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, मतलब क्रेडिट हो, डेबिट हो, ऐसे पेमेंट फीचर्स एस्टेब्लिश करना भी यही पीएसपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीएसपी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। एंड्रॉइड पर अगर आप चाहते हैं यूपीआई को कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन डेवलप करे तो इस पर मिनिमम एंड्रॉइड 4.2.2 होना चाहिए और iOS का 8.1 वर्जन भी होना चाहिए, तब जाके आप उस पर यूपीआई का पेमेंट एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। दोस्तों ये था यूपीआई का डिस्क्रिप्शन इन जनरल। अब देखते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी वो आईडी है जो जनरेट होता है हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग, मतलब आप एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आईडी जनरेट होगा, इसे कहते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी सिर्फ न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन का करस्पॉन्डिंग एक जनरेटेड आईडी है जो डिस्टिंग्विश करता है ईच एंड एवरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस। बेसिकली यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपका मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन और बैंक का जो स्टेटमेंट है इन दोनों को कनेक्ट करता है। बेसिकली आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी क्या है? वही नंबर आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी मिलेगा, मतलब हुआ जो कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर से आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका आईडी आपका बैंकिंग स्टेटमेंट के अंदर भी मिलेगा। इन दोनों को बैंक स्टेटमेंट और आपका यूपीआई ऐप इन दोनों को कनेक्ट करता है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आप बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर स्लैश के बाद आप देखिए 9 डिजिट नंबर होता है, ये है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। सेम नंबर आपको अपना गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ऐसी पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के रूप पर मिलेगा। और एक और बात, जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो अमाउंट आपका यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन गूगल पे, फोन पे ऐसी एप्लीकेशन पर दिखाया है वही अमाउंट आपका बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी है, से मैच करता है, इसे भी आप कंफर्म कर दीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट पर कुछ अब्रिविएशंस आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर। हर एक स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन होता है, इस पर आपको एब्रिविएशन जैसे कि डीआर, सीआरई मतलब क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट, ऐसे एब्रिविएशंस आपको दिखेगा। उन सारे एब्रिविएशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही एब्रिविएशन आपका बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यूएनपी मतलब अनपेड। ये जो प्रोसेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका जो पेमेंट अनपेड है, इसे दिखाने के लिए यूज करता है यूएनपी एब्रिविएशन के तौर पर, आपका बैंक स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन पर आपको दिखेगा। दोस्तों अब देखते हैं यूपीआई रेफरेंस नंबर क्या है। यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी और यूपीआई रेफरेंस नंबर दोनों सेम है। यूपीआई रेफरेंस नंबर कुछ पेमेंट एप्लीकेशन पर दिखाता है, वहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिखाता, ऐसे दिखाता है यूपीआई रेफरेंस नंबर। यूपीआई रेफरेंस नंबर और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी दोनों सेम है, ये आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी सेम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंट टर्म है गूगल ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो वहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन की आईडी नीचे पीछे एक और आईडी आपको मिलेगा, उसका नाम है गूगल ट्रांसैक्शन आईडी। गूगल ट्रांसैक्शन आईडी मेनली अल्फा न्यूमेरिक होता है, मगर यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी एब्सोल्युटली न्यूमेरिक होता है। यह है मेन डिफरेंस। ये जो आईडी है मेनली यूज किया जाता है गूगल पे की तरफ से वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, मतलब ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है गूगल ट्रांसैक्शन आईडी को। यहाँ पर देखने की बात है आपको यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी और गूगल ट्रांसैक्शन आईडी दोनों डिफरेंट होगा। गूगल ट्रांसैक्शन आईडी अल्फा न्यूमेरिक है, यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी न्यूमेरिक होता है, इसलिए आप गूगल पे के अंदर से गूगल ट्रांसैक्शन आईडी और बैंक स्टेटमेंट का जो यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी होता है इन दोनों को मैच नहीं कीजिएगा। गूगल पे के अंदर से आपको यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी और बैंक स्टेटमेंट का यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी मैच करना होगा। गूगल ट्रांसैक्शन आईडी मेनली यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बाय गूगल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा क्या है गूगल ट्रांसैक्शन आईडी, यूपीआई ट्रांसैक्शन आईडी, यूपीआई रेफरेंस नंबर और उसके साथ साथ क्या है यूपीआई आईडी का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।